Three circles with center A, B, C are tangential as shown in the figure. Each circle has a radius of 5. तो ये जो radius है ये कितना दिया हुआ है 5. तो और हर circle का radius 5 दिया हुआ है, ठीक है. तो each circle has a radius 5, मतलब this is 5, 5, 5, 5, 5, माने पूरा का पूरा 30 हो गया DF. Lines D, E and F, G, ये D, ये E है, D, E and F, G are tangent, ठीक है, to the circle with center C and intersect at G, इस point पर intersect करते हैं. Find the length of G, F, ये length हमें निकालनी है. Now, tangent and radius will be perpendicular, तो ये 90 degree हो जाएगा, और उसी explanation से ये angle भी 90 degree हो जाएगा. ये समझ में आ गई आपको बात. अब अगर मैं इस एंगल को थीटा पकड़ता हूं, इफ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है ना, दिस इज 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. मतलब ट्राइंगल डी सी ई, डी सी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ जी. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए. अब सिमिलैरिटी लगाने से पहले हमें डी ई के लेंथ की जरूरत पड़ेगी, तो डी ई के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है ना. हम लोग इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी, डी ई सी, डी ई सी पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 10, 10 एंड 5, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 625 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू ओवर रूट ऑफ 600 विच इज नथिंग बट 10√6, ठीक है. तो ये हमारे पास डी ई की लेंथ आ गई. अब हम जरा सिमिलैरिटी लगा देते हैं. थीटा के अपोजिट डी ई सी में हम इस सीक्वेंस में लेंगे डी ई सी अपॉन डी एफ जी, इस सीक्वेंस में हमें लेना है, ठीक है. तो डी ई सी में, डी ई सी में थीटा के अपोजिट क्या है हमारे पास, 5, और डी एफ जी में इसी थीटा के अपोजिट क्या है हमारे पास, जी एफ, जो हमें निकालना है, इज इक्वल टू डी ई सी में 90 माइनस थीटा के अपोजिट है डी ई, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 10√6, अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट है पूरी लाइन है डी एफ, 10, 10, 10, तो वो हो जाएगा 30, ठीक है. तो ये हो जाएगा जी एफ इज इक्वल टू 30 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 10√6, ये कैंसल हो गया, दिस बिकम्स 15/√6, ऊपर नीचे √6 √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 15√6/6, ये लेंथ हो जाएगी जी एफ की, जो कि हमसे पूछा गया है, विच मीन्स आंसर ऑप्शन ए.